हाँ भाई, पहले हम एग्जाम्पल आज पूरे करेंगे, और ये जो दो क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं, इन्हें हम कल करेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल कहा मैंने आपसे? हाँ, सत्रह तो 17। एग्जाम्पल नंबर 17। चलिए, विशेष भैया बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला बताएंगे विशेष भैया। बताओ भाई विशेष भैया, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला। सर 4/3 πr3। सही बात, बिल्कुल लिखा भी हुआ है, 4/3 π की जगह 22/7। जल्दी से रेडियस देखकर बताइए क्वेश्चन में क्या गिवन है। रेडियस 11.2। इलेवन पॉइंट टू रेडियस। 11.2 डायमीटर है या रेडियस है, ये चेक कर लो। रेडियस रेडियस आगे लिख दो मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है आई थिंक, या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दो। चलो भाई, अब सही कैलकुलेशन आपको सही आंसर की तरफ ले जाएगी। देखते हैं कितने बच्चे सही कैलकुलेशन करते हैं। सेवन से ये कट रहा है, 7 1 जा 7, बचा 4 7 6 जा, एक तो कट ही गया, और तो मुझे लगता नहीं कुछ कटेगा। तो 4 × 22 होता है 88, और 1.6 × 11.2 × 11.2, और नीचे बचा 3। चलो भाई, धीरे धीरे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, इनकी धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 88 सर को भाई 5837.31। सर धीरे धीरे बता दे, एक एक नंबर बोल के। 5 बोलो, उसने डायरेक्ट आंसर बता दिया। आंसर नहीं बताना, ऊपर तीनों की मल्टीप्लाई बतानी है। आंसर तो कोई भी बुक में से देख के लिख दे, क्या फायदा। तो पहले इन चारों को मल्टीप्लाई करिए, फिर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे। That's 17,661.95। चलिए देखना, उर्वी ठीक बताया इसने, 1 2 और 1 3, तीन नंबर पहले पॉइंट आ गया। चलो भाई यस डिवाइड सर। करना। हाँ डिवाइड करना शुरू करते हैं। 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 8 जा 24, फिर से 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। चेक करना भाई, बुक से हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस सर। यस सर। अब ये तीसरे नंबर पर 7 है, तो अगर मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना हो, तो मैं 7 को जब हटाऊंगा तो 1 की जगह बताओ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए बुक से हमारा ये आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ। यस सर हो हो गया। गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भैया सब बच्चे अपने हाथ से कॉपी पे काम करते रहे ना, अगर आप खाली बैठे रहे और बस मैं ही करता रहा तो आपका काम छूट जाएगा, इसलिए इतनी हिम्मत करो कि अच्छे से हमारे साथ साथ कॉपी पे क्वेश्चन कंप्लीट करते रहो। चलिए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये? 17। 17। अब 18 पर आ जाओ, ध्यान से पढ़ते हैं 18 एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। ए शॉटपुट इज मेटेलिक स्पेयर। कभी आपने शॉटपुट फेंका? एक छोटा यस सा सर। लोहे का गोला होता है, उसे कंधे के पास लेके ऐसे बहुत दूर तक फेंकते हैं। शॉटपुट मेटेलिक स्पेयर की फॉर्म में रेडियस दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। अब बताइए मास निकालने के लिए पहले मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम तो लिखो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पेयर, नैना बताएगी वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पेयर का फॉर्मूला। बताओ नैना, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पेयर का फॉर्मूला। सो 4/3 πr³। वेरी गुड,
लिखो 4/3 πr³, बिल्कुल ठीक बताया नैना ने। पाई की वैल्यू 22/7 और देखिए रेडियस कितना होगा 4.9। चलो वैल्यू पुट करो फटाफट। हाँ भाई क्या दिया हुआ है रेडियस, रेडियस देख के बताओ 4.9। तो 4.9 × 4.9 × 4.9। चलो काटना शुरू करते हैं, 7 का टेबल चलाते हैं, 0.7 आ गया है ना। और कुछ कटता हो तो बताओ या नहीं कटता। अब ये बच गया और अपॉन थ्री। चलो अब ठीक से मल्टीप्लाई करना भाई, कैलकुलेटर वालों ठीक से मल्टीप्लाई करो। 1207.36 इनकी मल्टीप्लाई करके। यस सर। 1479016 ये कुछ और बता रहा है। यस सर। सर 1479016 ही आ रहा है। चलो दोबारा बोलो 1479.016. चलो भाई ठीक है, अब 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 4 12, 3 9 3 3 ये तो पूरा पूरा कटता चला जा रहा है भाई। 0.0053 बस आगे 0.05 क्या छोड़ रहा है, ऐसे छोड़ दो बस, और सेंटीमीटर क्यूब और अप्रोक्सीमेट आंसर लिख दो। इतने बाद पॉइंट के बाद इतनी सारी जीरो लगाने की जरूरत क्या है, हम तो बस 493 निकाल लेते हैं। बुक में चेक करो बुक में क्या लिखा हुआ है। सब 499.9। अब हमें निकालना है इसका मास, और मास निकालने के लिए लिखो द सोडा मास ऑफ मेटल इन स्पेयर। तो आपका आंसर आया 493। और बताइए डेंसिटी कितनी दे रखी है इसकी, 7.8 ग्राम। तो इसकी हम 7.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ज्यादा चक्कर में काटने पीटने के चक्कर में मत पड़ना, बस 493 को 78 से क्या कर दो, 78 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 3.8454। सर 3845। रुक जाओ 4 9 4 5 3 5 4 3 8। यस सर। अब 3 जीरो नीचे और 1 पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और, कितनी जीरो आ गई, 4। 1 2 3 सर आपने 4 एक्स्ट्रा लगा दिया लास्ट में। एक्स्ट्रा लगा दिया? यस सर। सही लिखा हुआ भाई, बिल्कुल ऐसी बात ना करे, बिल्कुल सही मल्टीप्लाई कर रखी मैंने सर। सही है। हाँ मैं तुम्हारी तरफ से कैलकुलेटर से नहीं करता। ये देखो इनकी मल्टीप्लाई करी मैंने, ये वैदिक मैथमेटिक्स है, वैदिक मैथमेटिक्स। और नीचे पॉइंट हटाया, 3 और 1 4 जीरो लग गई, 4 नंबर पहले पॉइंट आ गया। आप चाहो तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकते हो, पॉइंट गलत जगह तो नहीं आ रहा, 1 और 3 4। yes, 1 2 3.85 3 4 यही आएगा, 38.45 आ रहा मेरा आंसर। तो सर बुक में 3.85 है। ऐसे कैसे हो गया, 38 45 44
एक और तीन चार, एक दो तीन चार, पॉइंट तो यही आना चाहिए, या एक फोर फालतू लगा हुआ है? एक ही फोर है, एक ही फोर है, तो ठीक करो भाई, एक दो तीन चार, भाई मल्टीप्लाई गलत हो गई आज, तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 3.85 केजी, ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया, क्योंकि तीसरा नंबर फाइव है, तो अगर तीसरा नंबर फाइव है तो एक नंबर हमने इसमें बढ़ा दिया, हमारा आंसर हो गया 3.85 किलोग्राम। बताओ भाई कहानी अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। चलिए जल्दी से आज का आखिरी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19। बताओ भाई क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 19 में? हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस दे रखा है, तो क्वेश्चन में देखो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेडिंग डालिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, चेक करो रेडियस दे रखा है या डायमीटर दे रखा है? सर रेडियस, रेडियस लिखो लिखो, वॉल्यूम ऑफ, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? 19। चलिए हेमिस्फेरिकल बाउल, सात्विक कौशिक बताएगा हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम का फॉर्मूला, बताओ भाई सात्विक कौशिक। मुझे लगता है सात्विक कौशिक क्लास में नहीं है, ना कल था ना आज है, तुम बताओ भाई राजा भैया। चलो मैंने ही बता दिया, रेडियस, रेडियस ढूंढिए कितना है, 3.5। मैंने लिख दिया 7/2, कोई दिक्कत तो नहीं 3.5 को 7/2 लिखने में? नो सर। चलो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 2 कट के 11 आ गया, और कुछ कटता नहीं सर, 5 5 3 9/6 5 3 9/6, ये क्या, ये वाली मल्टीप्लाई तो कई बार आ चुकी है, 89.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है या अप्रोक्सीमेटली आ रहा है? तो बस लिख दीजिए 89.8888 चलता रहेगा, हमारा आंसर हो गया 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने फोर, चलो जो भी होगा बताइए, अब हमने एग्जाम्पल भी कर लिए, अब हमारी एक्सरसाइज में दो बढ़िया क्वेश्चन रह गए, बढ़िया, तो कल की क्लास हम उन दोनों क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर कल एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे सर, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।